इतना खूबसूरत से गोल गुम्बद के नज बाहुली के उसमें लिया हुआ था। जय माहिष्मती। यहाँ पे ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं करवाएगी। जो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम भाई लाख दोस्तों, मैं हूं इस टाइम पे भारत दर्शन पार्क के बाहर और मैं ताजवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिमल वाणी से। और भारत दर्शन पार्क के बाहर हम इस टाइम पे खड़े हैं और यहां का आज का आपको दर्शन कराने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत से और काफ़ी अच्छा ये पार्क है। अभी दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ था पार्क और काफ़ी यहाँ पर अच्छा आपको घूमने के लिए और शाम के टाइम स्पेशली यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। बहुत ही अच्छे यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे जो 21 या 22 यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, जिसको आपको दर्शन करने को यहाँ पे इस छोटे से पार्क के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के 21 मॉन्यूमेंट्स के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो ले चलते हैं आपको अंदर भारत दर्शन पार्क के जो पंजाबी बाग के अंदर है। आपको लोकेशन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे देखेंगे। और मेरे साथ है सुमित, वहाँ पे बाइक लगा रहा है। तो हम एक्चुअली द्वारका गए थे तो द्वारका में हमने एक लैपटॉप में कोई बैटरी चेंज करनी थी, उसके बाद जाके हमने सोचा कि यहाँ पे आके ब्लॉग ही शूट कर लेंगे। तो कल भी आए थे हम, कल भी हमारे यहाँ का चक्कर था कोई, तो हम यहाँ पे शूट करने वाले थे लेकिन कल मंडे को यहाँ पे क्लोज होता है तो आप मंडे को यहाँ पे मत आइएगा। बहुत सारे लोग थे जो बाहर खड़े थे लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे क्लोज होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके निराश हो गए कि यहाँ पे मंडे क्लोज होता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, वो भी यहाँ पे बाहर खड़े थे और हम भी बाहर खड़े थे। भारत दर्शन पार्क, भीड़ देखिए भारत दर्शन पार्क के बाहर, आप ऐसी भीड़ आपको देखने को मिलेंगी, बसें आपको ऐसी मिलेंगी। यहाँ से घुसा ले, आजा 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 भाई आजा, लगा दे वाह 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 लगा दे। और यहाँ पे पार्किंग के पर्ची काटेंगे बाइक की जो भी होगा। और ये है भारत दर्शन पार्क का जो एंट्रेंस है, काट लेते हो भैया? हाँ पेटीएम फोन पे कैश। और यहाँ पे कैश नहीं है, हमें कैश के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कैश में है, आपके यहाँ पे पेटीएम फोन पे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई भी अवेलेबल नहीं है। भारत दर्शन ओनली कैश में आपके ट्रांजेक्शन होगी, आपके पास कैश है तो ही है, आसपास कोई एटीएम नहीं है। हमने काफी जगह पूछ लिया, यहाँ पे ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं करवाएगी जो कि आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप कर सकें। तो आप कैश लेके आइएगा, हमारे पास कैश नहीं। अभी हमने एंट्रेंस कर लिया है भारत दर्शन पार्क के अंदर। सबसे पहले आप एंट्रेंस गेट ये है और यहाँ से एंट्रेंस करेंगे तो राइट साइड में ये मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार जो मुंबई में है। और इतना बढ़िया, सुमित तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा क्योंकि पूरा काला काला हो रखा है, रात का टाइम है, लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। द बनियन ट्री बरगद का पेड़ हिंदू धर्म का शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। खूबसूरत से आपको दर्शन होंगे यहाँ पे बनियन ट्री। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल, देखिए हवा महल के नज़ारे दिल्ली के अंदर, इतना खूबसूरत सी लाइटनिंग के अंदर आपको मिलेगा देखने को। और इतना खूबसूरत सा गोल गुंबद, ये जो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, और रात के टाइम पे ही ये सारे व्यू आपको इतने अच्छे से नज़र आएंगे। एक आधा तो हल्की फुल्की आ जाएगी, चल चल चल, बहुत है चल। हाँ हाँ हाँ, इतना खूबसूरत से गोल गुंबद के नज़ारे शाम के टाइम ही, जो यहाँ की खूबसूरती है इस पार्क की वही देखने को आपको शाम को ही मिलेगी और लोग ज़्यादातर यहाँ पे। और ये अपना कुतुब मीनार, हर जगह आपको सीटिंग बढ़िया से मिल जाएगी। और भारत दर्शन का जो बाहर का मेन रोड का नज़ारा है
वो आपको मिलेगा। और ये हमारे सुमित बाबू, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। मीनाक्षी टेम्पल का नज़ारा, आप खूबसूरत नज़ारा देखे शाम को। और ये हमारे सुमित बाबू, देवताओं के निवास यात्रा बद्रीनाथ, अपने उत्तराखंड का बद्रीनाथ के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत फीलिंग। ये द्वारकाधीश के आप के दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर 2500 साल पुराना मंदिर है ये, जो कि द्वारका में है। अब कुछ दिख ही नहीं रहा भारत दर्शन के अंदर, सुमित दर्शन कहाँ है। चल रामेश्वरम मंदिर, ये भाई साहब जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए आज, और क्या है। ये है महावत पैलेस, इसकी हिस्ट्री भी दिखाने दे। 19वीं सदी में बना महावत पैलेस मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है, आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। और मेरे साथ सुमित है, इधर क्या है। अब आगे हम चल रहे हैं यहाँ पे, ये सांची का स्तूप है क्या। हाँ देख, मैंने पहचान लिया पहले ही, ये सांची का स्तूप। और मेरे पीछे यहाँ पे खूबसूरत से नज़ारे सांची के स्तूप के, यहाँ से लाइटनिंग देखिए आप कितनी खूबसूरत सी है। लाइटनिंग यहाँ पे चेंज होती रहती है। अभी यहाँ पे 22 मॉन्यूमेंट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया के, हमने अभी तो मेरे ख्याल से 7-8 ही देखे होंगे, अभी और भी हैं। अभी ये देखो, ये अपना विक्टोरिया पैलेस, पैलेस जिसकी हिस्ट्री ये है, जो वेस्ट बंगाल में है। इतना खूबसूरत से नज़ारे। जय महिष्मती। तो आपको शाम के ही दर्शन ऐसे मिल सकते हैं, दिन में तो बिल्कुल भी एक ही कलर नजर आएगा, तो लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे सुमित बहुत देर से बोल रहा है कि हमारी फोटो खींच दो, सुमित की हम फोटो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ये सुमित है, और इसकी भी फोटो एक आधा क्लिक कर लेते हैं हम्पी के रथ पे। चलें अब सुमित के 2-4 फोटो तो क्लिक हो चुके हैं हम्पी के रथ पे। भले सुमित दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा लाइटनिंग का इफेक्ट ज्यादा है तो उसके सामने से दिख नहीं रहे। जय महिष्मती। चल भाई चल। अबे यहाँ पे ठीक है, पता है इसकी लाइट आ रही है, तो लाइट प्रॉपर आ रही है। हाँ चल रहे हैं, ये हम्पी का रथ है, काफी खूबसूरत से लाइटिंग का इफेक्ट यहाँ पे। जितने भी हमने मॉन्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर देखे बहुत ही खूबसूरत हैं, और लाइटनिंग की वजह से इफेक्ट बहुत बढ़िया आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे विजिट करने आए तो बिल्कुल शाम के टाइम ही आएगा। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत से हर जगह आप लाइटनिंग का इफेक्ट देख सकते हैं, हर जगह लाइटनिंग का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बढ़िया लाइटनिंग का इफेक्ट इससे ज़्यादा कहाँ आएगा, ये देखिए चमकता हुआ सितारा हमारा। लाइटनिंग के साथ साथ एक कलर चेंजिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग हमें चेंज लगातार चेंज होते जा रही है, तो आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इफेक्ट उस लाइटनिंग का पड़ रहा है यहाँ पे। एक
इतना खूबसूरत तो आपको आगरा में जाके ताजमहल नहीं दिखेगा जितना यहाँ पे लाइटनिंग के इफेक्ट से दिख रहा है। हाँ भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बढ़िया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ कहाँ निकल रहे हैं? अभी तो बहुत सारे रह गए भाई, जो हमारे अभी जो बहुत सारे यहाँ पे अभी मॉन्यूमेंट्स देखने बाकी हैं जो इंडिया के हैं। अभी तो ये कौन सा है, अभी एक और मॉन्यूमेंट पे पहुंचे हैं, दिखाते हैं आपको कौन सा है। चलो भाई, मैसूर पैलेस, इतना खूबसूरत सा नजारा मैसूर पैलेस का। तो अभी हमने आपको दर्शन कराए मैसूर पैलेस के, अब आगे चलते हैं कौन सा मैन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है। हम कुछ दर्शन कराने चार मीनार के, और सुमित पहले ही वहाँ पे फोटो खिंचाने पहुँच गया। और ये चार मीनार, सुमित चार मीनार पे खड़ा है। चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा की गुफाएं और खजुराहो का टेम्पल, और उसके बाद एग्जिट गेट हमारा। अभी हम यहाँ पे चलेंगे और चार मीनार के अंदर से देखिए, हम चार मीनार के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ से एग्जिट भी कर चुके हैं इतनी जल्दी। अच्छा अच्छा जी, आए थे हर कक्षा पे जी आप? कक्षा आप रानीखेत? अच्छा, रानीखेत अल्मोड़ा। बहुत है हमारे आसपास, तो मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। ओके, देखो मैं आपके लैंग्वेज से समझ गया था, पहाड़ी हो। मैं वो हटा कर देना, वहाँ से कल से काम करेगा अपना। वो नॉर्मल सी बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो अगर तुम पब्लिक डीलिंग कर रहे हो ना, तो अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। पेशेंस रखना पड़ेगा। अरे ताजिर, हमारे कमाऊने भाई से बात करते हुए जाते, हमारे टिकट से बहस हो गई थी। कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर के भी आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएंगे, और इतने खूबसूरत से लाइटनिंग इफेक्ट के साथ। तो आपको यहाँ पे घूमने के जो आनंद है वो शाम के टाइम ही आएगा, इतने खूबसूरत सी चीजें लाइटनिंग इफेक्ट के साथ आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी के टाइम पे आपको सैंपल से चीज़ें मिलेंगी, लेकिन शाम के टाइम आपको अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे इफेक्ट के साथ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि आपको लाइटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जिसके साथ खूबसूरत से दर्शन करने को मिलेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें घूम चुके हैं, पीछे आप बोर्ड भी देख सकते हैं, खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ है। यहीं से थोड़ा सा आगे चल के हमने एंट्री करी थी और बहुत ही खूबसूरत सा है। कलर चेंज होने लगा, तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। आज के भारत दर्शन पार्क के दर्शन जो थे वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, गेट से, गेट पे लगभग पहुँच गए हैं। कृपा से चल भाई, टिकट दे दे। गेट पे आपको टिकट देनी पड़ेगी और यहाँ पे उसके बाद हम एग्जिट कर लेते हैं। नहीं तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे, हम बाहर निकल चुके हैं इस टाइम पे, पर हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है। बाइक कैश है ना तेरे पास? बाइक को दे उसको, वो ऑनलाइन भी ले लेगा खैर, लेकिन अंदर टिकट आपको बिल्कुल ही ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको कैश चाहिए उसके लिए।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।